ये देखो भाई एकदम बढ़िया तरीके से इधर गोल गोल एकदम बन रहे हैं। ओए होए भाई सब ये लस्सी के गिलासों में इस चाय को फेंटा जाता है। परफेक्ट भाई। और साथ में अगर आपको ओपन चाहिए तो फिर ओपन वाला ये है जो कि 165 का बन जाएगा। सर्दियों में मिल जाए अप्पे गरम गरम तो बात ही क्या है। इसके ऊपर स्टीमर पर रख दिया जाएगा। देखो भाई ये हमारा नॉनवेज वाला पक गया है, हो गया सर, है ना। तो भाई साहब आज हम आए हैं राजेंद्र नगर। जी हाँ, ओल्ड राजेंद्र नगर आए हैं। और आपको पता है यहाँ की मार्केट बोले तो स्टूडेंट मार्केट है, और इतना कुछ आ गया ना अभी खाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो सबसे पहले स्पॉट पे आया हम भैया के पास, KSV साउथ इंडियन फास्ट फूड, जो कि आपने सुना होगा कि अप्पे जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं अपने ओल्ड राजेंद्र नगर में। उन्हीं भैया के पास आए हैं, वेज और नॉन वेज दोनों अप्पे हैं यहाँ पे, तो हम ट्राई करने वाले हैं कुछ। और देखो उससे पहले बनते कैसे, मतलब 100 अप्पे आ जाते हैं इसके अंदर भैया? 100 अप्पे भाई। और कितनी देर लगती है पकने में? 10 मिनट। तो ये देखो भाई पहले ग्रीस किया जाएगा इसको ऑयल के साथ। ये देखो ऑयलिंग करनी शुरू कर दी है। तो ये नॉर्मल ऑयल है, रिफाइंड है? सर रिफाइंड है सर, फॉर्चून रिफाइंड है। और नॉनवेज में वो कौन सा पार्ट डालते हैं चिकन का? सर थाई चिकन डालते हैं। थाई चिकन, प्योर चिकन होगा। अच्छा परफेक्ट, मिलावट नहीं सर, खमीर ओवर रखा है। ये वेज और नॉनवेज दोनों का सेम ही होता ना? सेम ही होता, बस आप चिकन वो करते हो। हाँ परफेक्ट है भाई। ये देखो भाई ये लग रहे हैं भाई अब अप्पे। वाह भाई वाह, पूरा पूरा एकदम पूरा भर के बना रहे हैं, बढ़िया सा। एक बंदे के बस की नहीं है, दो बंदे लग रहे हैं, स्पीड चाहिए इस काम के लिए। मज़ेदार, नहीं बढ़िया यार, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। और बहुत नाम सुना हमने, इसलिए आए हैं आपके पास खाने के लिए। थैंक यू सर। आज हमने सोचा ओल्ड राजेंद्र नगर कवर करेंगे। ये देखो भाई पूरा ऑलमोस्ट भर चुका है, और 10 मिनट लगते हैं इसको पकने के लिए। अब बस ये देख लो, ये सारा कुछ करने के बाद इसको पूरा कवर किया जाएगा और आराम से पकेगा, बढ़िया से। टाइमिंग से 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और अगर किसी को यहाँ पहुँचना हो तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप में है, KSV पनियारम करके डालेंगे डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है जी, वरना मैं बताता हूँ एक बार, ये MK प्रॉपर्टीज है, उसके जस्ट बाहर ही भैया लगाते हैं। ये नियर बाई सबवे रेस्टोरेंट। हाँ नियर बाई सबवे रेस्टोरेंट। ये है जी इनकी कोकोनट चटनी है, ग्रीन एंड कोकोनट चटनी। और ये है जिंजर गार्लिक एंड टोमेटो चटनी, टोमेटो ऑनियन। अब ये इसके अंदर नॉन वेज बनता है, इसके अंदर वेज बनता है। ये भी खास बात है कि दोनों के पैन अलग अलग है। तो लग रहा है ये पनीर अलग लग रहा है सर, पनीर और चिकन चीज ये सब तो सर ऑन ऑर्डर बनता है। अच्छा चीज का भी हमारे पास है। अच्छा स्टफिंग कर देते हैं। हाँ हाँ समझ गया, वो चीज़ पुल आता होगा ना फिर, लोगों को अच्छा लगता। सब बंद, अब ये 10 मिनट बाद इसका घूंघट उठेगा और अब हम चलते हैं इस पे। आओ भैया ये देखो भाई, ये लग रहे हैं जी हमारे चिकन अप्पे। जी हाँ 100 रुपये कीमत है एक प्लेट की, जिसमें 10 पीस आते हैं। ये हाफ में 6 पीस है मसाला। ये देखो ये थाई चिकन का पीस होता है, उसके साथ ये अप्पे के बैटर को मिक्स कर रहे हैं और सारा थोड़ा सा मसाला डाला है। अब इसको अप्पे के मतलब कि पैन में डालेंगे और उसको अच्छे से कुक करेंगे। 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में भी। अब इसको डाला जाएगा बढ़िया से। ये सब ऑन ऑर्डर बनाते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग लेते नहीं है नॉनवेज। हाँ ख़त्म हो जाता है। वाह भाई वाह परफेक्ट। ये हमने हाफ प्लेट लगवाई है अपने लिए। ये देखो भाई एकदम बढ़िया तरीके से इधर गोल गोल एकदम बन रहे हैं। ओए होए भाई सर्दियों में मिल जाए अप्पे गरम गरम तो बात ही क्या है, मज़ा ही आ जाएगा। वैसे भैया ये ब्रेकफास्ट का मतलब की चीज़ नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए है ना? स्नैक्स ही है, लाइट। अच्छा ये लाइट स्नैक्स के तौर पे भी है, बट वैसे साउथ इंडियन लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खाते हैं। देख बंदी ये ओ उधर फट रही है यार, ये बस बस आप ही पलट लो। ये देख पलट दिया भैया ने, पूरा नीचे डायगनल नीचे डालते उसके बाद पलटते। दोबारा तेल डालोगे ऊपर से थोड़ा शाइनिंग वो, हाँ क्रिस्पी करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला जा रहा है। ये चिकन वाला हमारा हो गया और अब इसको भी पलटा जाएगा। ओह हो एकदम क्रिस्पी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार नॉनवेज वाला। ये हमारा नॉनवेज वाला पक गया है, हो गया सर, है ना।
ये दे दो मेरे को, सर्व करके दे दो। तो क्या नाम क्या आपका? हिमांसा जी, अब चलो टेस्ट करके देखते हैं। मैं भी टेस्ट करता हूँ, आप भी टेस्ट करो और बताओ कैसा। आप आते रहते हो यहाँ पे? पहली बार आए हो? हाँ, आते रहते हो। तो ज़्यादातर कौन सा ट्राई करते हो? दोनों भी, वेज नॉन वेज। भाई मर जा भैया, इतनी अमेजिंग है। और ये हैवी है, वो इसे ख़त्म नहीं कर सकता। भैया लो ना यार, कमाल है यार, ये तो अप्पे मिल रहे हैं। आओ भैया, अभी लो, आओ ना यार, अप्पे पार्टी हो रही है, अप्पे पार्टी। भैया लो ना यार, ये सबको बोलना पड़ रहा है यार, कमारा फूड के लिए बोलना पड़ रहा है भाई, चक्कर क्या है भाई। आप भी आओ, ट्राई करो और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। हम इसे खाते हैं और चलते हैं किसी दूसरी जगह पे। चेन्नई की स्पेशल चाय है, इसे क्या बोलते हैं क्या भैया? नॉर्मल चाय बोलते हैं, ये क्या होता है? समावार होता है ये? समावार चाय। और ये देखो, ये गर्म पानी डाला जा रहा है और उसके अंदर चाय पत्ती है। ये अब ये इसके अंदर रख दोगे, स्टीम हो रही है, फ्लेवर्स निकल रहे हैं। एक चाय हमारी भी बना देना, मनी पिएगा ना। ये देखो भाई, ये है समावार चाय। और यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे से मैं ये स्टॉल चालू कर देता हूँ, 5 बजे से। ये देखो, 4 चाय लग रही है। अब ये किसी की 4 चाय का ऑर्डर आया देख। और ये वही दूध डालेंगे देख, इसमें एकदम गाढ़ा वाला दूध, ये एकदम गाढ़ा दूध है और इस दूध को ही डाला जाता है इसके अंदर। ये देखो, और ये देख वही वाली चाय आ गई सेम। ये गर्म पानी डाल के इसका फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये देख रहे हो। अब इस चाय को दोबारा से इसमें गर्म पानी डाल के इसके ऊपर स्टीमर पे रख दिया जाएगा अगली बार के लिए। और तब तक इसके अंदर चीनी डालेंगे जितनी चीनी डालनी है, और उसके बाद इसको फेंटा जाएगा लस्सी की तरह। ये देख, ये लस्सी के गिलासों में इस चाय को फेंटा जाता है, परफेक्ट, मज़ेदार है कि नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, एक कप चाय लेते हैं और आपको बताते हैं भाई टेस्ट कैसा। तो ये मन्नी पी के दिखा रहा भाई, केरला स्टाइल समावार चाय, ये 15 रुपये की एक आती है भाई। चाय का फ्लेवर ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जैसे हमने वहाँ पे हैदराबाद में पी थी, नीलोवर कैफे में, जैसे नीलोवर कैफे हैदराबाद में पी थी। बहुत स्ट्रॉन्ग चाय है, मतलब हाँ, अगर आप ज़्यादा दूध वाली पीते हो तो आप ये नहीं पी पाओगे। बट सीरियसली मतलब कि ये, इसे समावार कहते हैं। और ये भाई जो है, ये बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट का नाम क्या है? थालासरी रेस्टोरेंट है, उसी के जस्ट बाहर बैठा। और सुबह 5 बजे आ जाता है और रात के 11 बजे तक रहता है, और 7 डेज ओपन है ये। अगर जूस कॉर्नर है उसकी बैक साइड में, नहीं तो ये देख लो चाइनीज़ कॉर्नर सामने, उसके जस्ट ऑपोजिट आपको दिख जाएगा ये। और ये मार्केट आप देख सकते हो, लोग सारे इंजॉय कर रहे हैं चाय का। ये देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चाय की शॉप ज़्यादा, खाने पीने के आइटम यहाँ बहुत मिलेंगे। अब हम चलते हैं अगली जगह पे बढ़िया सी, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या है खाने को। तो भाई साहब आज हम आए हैं, आपको पता है कहाँ पे? राजेंद्र नगर आए हैं। चाय आपने पी ली है चेन्नई स्टाइल खबूज, जैसे जो होता ना वो एक ब्रेड का नाम है, उस ब्रेड के अंदर ही शौरमा बनाया जाता लपेट के। तो ये हमने दुबई में खाया हुआ है, बट दिल्ली में खबूज कोई नहीं देता, बहुत गिने चुने ब्रांड्स हैं। लेकिन आपको हम लेकर आए हैं द एफ स्पॉट, जो कि राजेंद्र प्लेस में है। और ये भैया हमारे यहाँ के ऑनर है, क्या नाम है भैया आपका? पारस जी। इनको पिज्ज़ा वाला पारस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले डोमिनोज में जॉब कर चुके हैं, चायोज में भी काम कर चुके हैं, और अब 1.5 साल पहले इन्होंने अपना ये आउटलेट खोला है, जहाँ पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं खबूज से बना हुआ शवरमा, प्लस इनका क्लासिक शवरमा जो होता है मेन, वो भी देखेंगे। आइए, ये देखो जी, ये बन रहा है जी ओपन शवरमा प्लेटर। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते रहो। हमस आ गया, गार्लिक सॉस, लेटस, पिकल, ये आ गई ब्रेड्स, खबूज। इसमें फ्लेवर्स अवेलेबल है मेरे पास, स्पाइसी चिकन है, पेरी पेरी चिकन, फिरंगी चिकन, बटर चिकन, सीख कबाब शॉर्मा। ये वाला कौन सा वाला फ्लेवर है जो हम ले रहे हैं? ये क्लासिक चिकन, क्लासिक चिकन है। ये था भाई इनका क्लासिक चिकन शॉर्मा। और साथ में अगर आपको ओपन चाहिए तो फिर ओपन वाला ये है, जो कि 165 का बन जाएगा, और जो हमने अपने लिए बनवाया वो है 135 का। तो टेस्ट करते हैं बाहर चल के और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इनका। आप कभी भी यहाँ पे आना, इसे ट्राई करना और हमें बताना आपको कैसा लगा।